वंदितु सव सिद्धे तुव मचल मनोवम गदिं पते वो चामि समय पाहुडु मिनमो सुद केवली भणिदम। ये देखिए कर्ता कर्म अधिकार समाप्त प्राय है, गाथाएं तो संपूर्ण हो गई है, सिर्फ जो है अभी समापन के कलश चल रहे हैं। आचार्य अमृत चंद्र जो कि समय सार के टीकाकार हैं, काल जी टीकाकार हैं, उनकी टीका ऐसी है कि जिसके बिना समय सार अधूरा है। यूं समझिए यदि समय सार में से आत्मख्याति निकल जाए तो फिर कुछ बहुत कुछ नहीं बचता है। इसलिए यूं समझो कि आचार्य कुनकुन ने जो काम किया उसमें आचार्य जयसेन ने, आचार्य अमृत चंद्र ने चार चांद लगा दिए। चार चांद लगाने का मतलब तो समझते होंगे आप कि शोभा की अभिवृद्धि कर दी, श्री वृद्धि कर दी, उसमें सुशोभित कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो मूल गाथाएं हैं वो तो आपको दिमाग पर जोर ही, दिमागी कसरत नहीं करवाती है, आपकी जो मानसिक व्यायाम है मतलब मेंटली जो एक्सरसाइज है वो नहीं होती है उसमें सिर्फ, वो तो बिल्कुल सीधी सिंपल गाथाएं हैं। आप देखेंगे यदि कभी आप करना चाहें ऐसा प्रैक्टिकल तो आप मूल जो गाथाएं हैं उनका जो पद्यानुवाद है इस पुस्तक में पीछे की तरफ दिया है, आप उसका एक बार रीडिंग करते जाएंगे पाठ, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, सब मीनिंग अपने आप समझ में आने लगेगा, सब ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन जो समय सार की गहराई है, जो समय सार का हार्द, हार्द माने जो उसका भाव है, केंद्रीय भाव है, वो आपको पकड़ में आने के लिए मतलब उसको ग्रहण करने के लिए तो टीकाओं में ही जाना पड़ेगा। तो वो जो टीका है वो टीका लिखते लिखते आचार्य अमृत चंद्र जो है भाव विभोर होकर के अध्याय की समाप्ति पर सात कलश लिखते हैं। सात कलशों में से दो कलश तो ये जो 144वीं गाथा है इसका उपसंहार है और बाकी के पांच कलश इस पूरे ही कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार है। इस तरह से जो है बात है, अब 92 श्लोक तो हमारे हो चुके, गाथा हो चुकी, अब 93 नंबर का जो श्लोक है 93 नंबर का वो जो है आज पढ़ते हैं आपके सामने। ये जो है 93 नंबर का श्लोक है, आक्रामन आक्रामन विकल्प भाव मचलम पक्षै नया नाम विना सारो यह समयस्य भाति निभ्रतै रास्वाद्यमान स्वयं विज्ञानैक रस सैस भगवान पुण्य पुराण पुमान ज्ञानम दर्शनमप्ययम् किमथवा यत्किंचनैकोप्ययम्। शार्दूल विक्रीड छंद ये क्या कहता है, ये वही बात कहता है जो 144वीं गाथा की टीका में पढ़ा था। 144वीं गाथा में ही पढ़ा, यूं समझ लीजिए गाथा में ही आया था कि जो समय से प्रतिबद्ध है, समय परिबद्ध दो, जो समय से प्रतिबद्ध है वो कैसा है, सब नए पक्ष रही दो, सभी नए के पक्ष से रहित है, वही बात यहाँ पर है, उसी को ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं आचार्य जैस अमृत चंद्र। ये कह रहे हैं कि ये आक्रामन विकल्प भाव मचलम कि सभी प्रकार के विकल्पों का आक्रामित आक्रमण करके, यानी कि उनको पार करके, उससे भी पार निकल करके, ऐसा अर्थ है। देखो नीचे हिंदी में, हिंदी भी एक बार देख ली, यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है, यह अचल है अविकल्प है बस यही दर्शन ज्ञान है, निभ्रत जनों का स्वाद्य है और जो समय का सार है, जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। ये कैसा है आप भगवान आत्मा कि पुण्य है, पहला शब्द क्या है, यह पुण्य है। पुण्य का मतलब क्या, हम तो समझते पुण्य तो छोड़ने हो गए, पुण्य तो जो पुद्गल की पर्याय है, पाप और पुण्य ये दोनों ही पुद्गल की पर्याय है, पुण्य पाप फल माई हरख विल सो मच बाई यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिरता है। छेड़ाला में लिखा है दौलत राम जी ने कि पुण्य और पाप दोनों ही पुद्गल की पर्याय है, लेकिन यहाँ तो इस 93 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि ये पुण्य स्वरूप आत्मा है कैसी बात है, जब पुण्य को पुद्गल का कह चुके तो
तो आत्मा को पुण्य क्यों कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। देखिए एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं, एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं। पांच प्रकार की जो रीतियां हैं शास्त्रों के अर्थ समझने की, उनमें से एक रीति जो है शब्दार्थ है। तो यहाँ शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं, उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पुण्य का अर्थ वो वाला पुण्य नहीं है जो हम समझते हैं। पुण्य का अर्थ है पवित्र, पवित्र को भी पुण्य कहते हैं, ये गजब बात है। तो ये आत्मा कैसा है, पवित्र है, पुण्य माने पवित्र है, पुरुष है, पुरुष ही है, स्त्री नहीं है। कैसी विचित्र बात है, क्या स्त्री नहीं है कि नहीं, स्त्री भी पुरुष है। अरे कैसी बात करते हैं, स्त्री भी पुरुष है कि हाँ, आत्मा को ही तो पुरुष कहते हैं और स्त्री भी एक आत्मा है इसलिए वो भी पुरुष है। पुरुष माने आत्मा, अस्ति पुरुषस्य चिदात्मा, ये परिभाषा कहाँ मिलेगी, आप ढूंढना चाहो तो कहाँ मिलेगी कि आचार्य यही, अरे हाँ देखो यही आचार्य अमृतचंद्र, इन्हीं का एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें 9 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा है अस्ति पुरुषस्य चिदात्मा, कि पुरुष माने चैतन्य आत्मा, यह है पर्यायवाची नाम। तो क्यों कहते हैं पुरुष, अच्छा इसका लॉजिक भी देख लीजिए क्यों कहते हैं पुरुष। उसका लॉजिक ये है, पुरुष में क्या पौरुष होता है, पौरुष माने पुरुष, जिसमें पौरुष हो पुरुष, तो पौरुष माने वीर्य गुण, तो आत्मा में ही पाया जाता है वीर्य गुण। आत्मा में अनंत बल होता है ना, अनंत बल, अनंत वीर्य, जैसा भी आप बोले, तो वो अनंत बल बोले, अनंत वीर्य बोले या अनंत पौरुष बोले, वो आत्मा का ही एक गुण है, इस पौरुष के कारण वो आत्मा पुरुष कहलाता है, ये उसका लॉजिक है। देखिएगा ये बात, तो ये आत्मा कैसा है, पुण्य यानी कि पवित्र है, और पुरुष माने कि आत्मा है यानी कि अनंत बल का धनी, एक प्रकार से बलशाली स्वभाव वाला है। और पुराण, पुराण मतलब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े एपिक को नहीं, वो तो काव्य, पुराण मतलब जो महापुरुषों की जीवनी वो समझते हैं हम तो, लेकिन पुराण माने होता है प्राचीन है? पुराण माने पुराना, बहुत पुराण है जी। पुराणों को, पुराण ग्रंथों को पुराण क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि उनमें जो है प्राचीन महापुरुषों की गाथाएं हैं, 63 शलाका महापुरुषों की कथाएं हैं, इसलिए उनको पुराण कहते हैं। तो इसलिए ये आत्मा भी कैसा है, अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। कोई पुरानी इमारत हो, पुरातत्व विभाग उसकी जो है सुरक्षा के लिए चारों ओर जो है व्यवस्था करता है, हैं अनेक प्रकार की जो है का शीशे लगा देते हैं, बेड़ियां लगा देते हैं, लोग उनको टच ना करें, वहां पर छोटे छोटे जो है बैनर लगा देते हैं कि आप प्लीज डोंट टच, मतलब इसको टच ना करें, खराब ना करें, हैं ऐसी सुरक्षा करनी पड़ती है। लेकिन ये आत्मा एक ऐसा जो है प्राचीन तत्व है कि इसकी सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है, ये स्वयं अपनी सुरक्षा कर लेता है। अरे इस बारे में मेरे पास बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो क्या होता है, ये आत्मा स्वयं अपनी सुरक्षा कैसे करता है, ये आत्मा जिस शरीर के अंदर रहता है ना, अब सुनना बहुत गजब बात है, मतलब स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए तो ये है ही समर्थ, लेकिन जिस शरीर के अंदर ये आत्मा रहती है उस शरीर की भी छोटी मोटी रिपेयर तो ये आत्मा के कारण अपने आप हो जाती है। ऐसा ऐसी ऐसी व्यवस्था है ये जगत की। थोड़ी सी बात अजीब गजीब, बहुत अजीब और गरीब है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, तो वो चोट ठीक हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर जो आत्मा है ना उसके प्रभाव से ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कहोगे ये तो बड़ी विचित्र बात है, आप तो समय सार पढ़ा रहे, ये बात तो इससे लिंक ही नहीं होती है। कि देखो क्या होता है कि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो चोट भी ठीक नहीं होती है। चोट कब ठीक होती है, जब तक शरीर में आत्मा है। तो कहने का मतलब आत्मा की सुरक्षा के लिए किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा असहाय। आत्मा का एक पर्यायवाची और है असहाय, केवल ज्ञान को भी असहाय ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा कैसा है कि स्वयं सुरक्षित रहने वाला, कि प्राचीन से प्राचीन तत्व है लेकिन फिर भी उसकी जो है कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दाग धब्बे मलिनता है, खंडहर अनुमान नहीं बनाई है कभी भी। जैसे पुरानी इमारत खंडहर हो जाती है, आत्मा ऐसा खंडहर नहीं हुआ है, आत्मा का ज्ञान गुण जरा भी कम नहीं हुआ है, घिसा नहीं है। किसी वस्तु को प्रयोग करते करते वो घिस जाती है लेकिन आत्मा घिसा नहीं है, ऐसा है ये पुराण है। पुराण है, पुण्य है, पुरुष है, है पुराण हो, पुरुष हो, पुमान हो, कहाँ है ये शब्द सुने होंगे आपने, भक्तांबर में, भक्तांबर में ऐसा कैसा है, बिल्कुल 23 या 24 नंबर का शायद वो है श्लोक, जिसमें ये सेम टू सेम ये की ये वर्डिंग आए हैं। संस्कृत में तो आए ही हैं और उसका हिंदी जो अनुवाद है वो पढ़ेंगे तो ऐसे कैसे वर्ड है वहां पर भी,
ये आत्मा पुण्य है, पुरुष है, पुमान है, सॉरी पुराण है, सब नए पक्ष बिन भगवान है, सब नए पक्ष बिन भगवान है। पक्ष रहेगा तो भगवान नहीं बन पाएगा, पक्ष के बिना भगवान। मैंने आपको बताया था पिछले व्याख्यान में कि पक्ष का मतलब क्या, कि दो चीजें जहां होती है वहां पक्ष होता है, जहां एक ही चीज हो तो पक्ष नहीं होता है, पक्ष बनता ही नहीं है फिर वहां पर। दो पार्टी हो तो पक्ष होता है कि आप इस पक्ष के हैं, इस पक्ष के हैं, आप विपक्ष वाले हैं, सपक्ष वाले हैं, है डिबेट होती है तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो जहां दो चीजें होती है वहां पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते एक महीने। एक पक्षी जो आकाश में उड़ता है उसको भी दो पंख होते हैं, हैं पंख को संस्कृत में पक्षी बोलते हैं, पक्ष। तो एक पक्ष, दो पक्ष, तो दो पक्ष के कारण वो पक्षी है, जो पक्ष को धारण करे वो पक्षी। देखो ऐसा है, शब्द भी ऐसे बने हैं। पक्षी माने कौन, कि जिसको पक्ष हो वो पक्षी, कि पक्ष माने क्या, कि पंख, कि जिसको दो पंख हो वो पंख। अच्छा पंख को पक्ष क्यों बोला, कि वो दो होते हैं इसलिए पक्ष बोला। ऐसी गणित है ये। तो इस प्रकार से जिसको नए पक्ष नहीं है वो स्वयं भगवान है, ऐसा है बात। यह अचल है, अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। और ये कैसा है, अचल है, है? वैसे तो चल है और वैसे तो चल है ही, और लेकिन स्वभाव से अचल है। ये बात भी मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज मैं उससे भी नई एक बात बताता हूँ। स्वभाव से अचल है, वो बात तो मैं पहले बता चुका आपको। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है जीव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है जीव, लेकिन फिर भी वो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसलिए अचल है। ऐसा मीनिंग तो मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज मैं कुछ अलग बता देता हूँ। देखो आत्मा में एक निष्क्रियत्व नाम की भी शक्ति है, ये चीज शायद नहीं बताई मैंने आपको। इसमें क्या होता है, ये निष्क्रियत्व शक्ति कब प्रकट होती है ये भी सुन लीजिए। अभी नहीं है, अभी नहीं है। जब जीव मुक्त होता है तब उसके अंतिम समय पर वो प्रकट होती है। 13वें गुण स्थान में भी नहीं होती वो निष्क्रियत्व शक्ति, 14वें गुण स्थान में प्रकट होती है। 14वें गुण स्थान के भी अंतिम समय पर निष्क्रियत्व नाम की एक शक्ति आत्मा में विकसित होती है, और उसके कारण जीव सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा है निष्क्रियत्व नाम की शक्ति, इसलिए भी वो अचल है। हैं अचल क्या, कौन होते हैं? सिद्ध के लिए तो अचल शब्द आया पहली गाथ दुर्वम अचल मनोवम गदिम पत्ते। अचल शब्द कहाँ आया, पहली गाथ में आया। किसके लिए आया, कि सिद्धों की जो पंचम गति उसके लिए आया। जो पंचम गति है वो अचल गति है, एक बार जो चला जाता है वापस नहीं लौट कर आता, इसलिए अचल गति है। यदि हम अवतारवाद को मानने लगे जैसे हिंदू लोग मानते हैं, तो फिर हमारी भी सिद्ध गति अचल नहीं रह जाएगी, वहां से भी चल चलायमान हो जाते हैं। सांख मत वाले ऐसा बोलते हैं कि जब सभी आत्माएं मुक्त होने लगती हैं तो संसार में जीव कम हो जाते हैं, सब मोक्ष में पहुंच जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी ये सृष्टि को बनाने वाले, उनको चिंता होने लगती कि संसार कैसे चलेगा। तो वो 100 करोड़ कल्प काल के बाद 100 करोड़ कल्प काल के बाद वो मुक्त हुई आत्माओं को कर्म कालिमा से वापस कालिमा मतलब कलुषित करके और इस संसार में डाल देते हैं। चलो ये आपकी एक्सपायरी हो गई, अब वापस पुरुषार्थ करो फिर मोक्ष जाओ। ऐसा ऐसा सिद्धांत है वो ब्रह्मा जी कर देते हैं। एक तो ऐसा सिद्धांत है, और एक दूसरा भी सिद्धांत है कि स्वयं भगवान जो है अवतार लेकर के आ जाते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, ऐसा करके गीता में कह दिया। तो इस तरह से जो विभिन्न दर्शन है उनकी विभिन्न विभिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन जैन दर्शन की ऐसी मान्यता नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि जो आत्मा एक बार मुक्त हो गई वे हो गई, वे लौट कर कभी संसार में दोबारा नहीं आती। यह अचल है, अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। विकल्प वाला नहीं है ये आत्मा, क्योंकि विकल्प जो होते हैं वो श्रुत ज्ञान में होते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में होते हैं। अकेले मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला तो ये जीव है नहीं, जीव तो पूर्ण स्वभाव ही है, पूर्ण ज्ञान स्वभाव ही है। ये तो अभी इसका पूर्ण ज्ञान है इसलिए ऐसी स्थिति है, इसलिए विकल्प भी इसकी जो है चिरस्थायी परिणति नहीं है, सदा सदा रहने वाली स्थिति नहीं है, अविकल्प है। और यही दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन, यही ज्ञान माने कि सम्यक ज्ञान, कहाँ से उठाए ये शब्द, 144 नंबर की गाथा से, उसमें आया है, 144 नंबर की गाथा में आया ना, देख लीजिए। सम्मदन सणनाणम, ऐसा पहले ही है 144 में गाथा। तो यही दर्शन यही ज्ञान है।
निभृत जनों का स्वाध्याय। निभृत किसे कहते हैं कि जो आत्मलीन रहते हैं, आत्मा में रमण करने वाले लोग, उनको कहते हैं निभृत। ऐसे निभृत लोगों के लिए स्वाध्य है, यानी कि स्वाद लेने योग्य। स्वाध्य मतलब स्वाद लेने योग्य, खाद्य मतलब खाने योग्य, तो स्वाध्य मतलब स्वाद लेने योग्य। और जो समय का स्वार है, स्वाद का अर्थ दूसरा भी होता है, एक तो मुंह पे जीभ पे रखते हैं तो वो भी स्वाद होता है, एक अनुभव होता है उसको भी स्वाद लेना कहते हैं, है ना। तो वो तो अब समझने वाली बात है, आप समझ ही गए होंगे 49 नंबर की गाथा में बताया आत्मा अरस है, यानी कि जीभ पे रखने वाला स्वाद तो है नहीं, अनुभव वाला स्वाद। और जो समय का सार है, यानी कि शुद्ध आत्मा है, सभी द्रव्यों में सारभूत तत्व है, जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। कुछ भी हो लेकिन एकमात्र अनुभूति होगी तो उसी के आधार से होगी, वही है एक आत्म तत्व, और वो भी कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूं, किसी और की बात नहीं, मैं खुद ही हूं, कहीं अन्य जाना नहीं है, वो मैं खुद ही हूं, ऐसे ही है बात। तो इस प्रकार से यही आत्मा पवित्र है, यही पुराण है, यही प्राचीन है, अनादि अनंत है, पुमान अर्थात पुरुष है, पौरुष से युक्त है, अनंत गुण वाला है, अचल है, अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, अविकल्प रूप है, यानी कि निर्विकल्प चैतन्य वस्तु है, विकल्प जाल में उलझने वाला नहीं है, विकल्पों से प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा ये आत्मा। काफी कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा है ना। मैंने तो मुख्य मुख्य चीजें जो है वो दो चार शब्द जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपको पढ़ के बताए, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है 93 नंबर का कलश हमको यही कहता है कि ये जो आत्मा है ये अनुभूति का विषय है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय मतलब चर्चाओं में समझ में आ जाएगा या शब्दों ही शब्दों से बात बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। शब्दों से बात नहीं बनेगी, इसलिए आचार्य कुनकुन कहते हैं, या जो भी अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि भाई अब शब्दों से विराम लो, अभी तो ये 102 अधिकार है, अभी तो कर्ता कर्म अधिकार, जब जो लास्टवां 10वां अधिकार जो आएगा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसकी भी अंतिम गाथाओं में ऐसा ही कहा है कि अब बस करो, बहुत हो गया, जितना कहना था वो कह चुके अब हम, ऐसा। और कहेंगे कि ठीक है अब इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते, हो गया बस, खत्म हो गया, ऐसे ऐसे वर्डिंग है आगे। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि ये जो भगवान आत्मा है इसी के ही विभिन्न नाम है, अनुभूति भी इसी को कहते हैं, सम्यक दर्शन भी इसी को कहते हैं, सम्यक ज्ञान भी इसी को कहते हैं, ये कोई बाहर में नहीं है, ये सब हमारे अंदर में ही है। सम्यक दर्शन ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही है, ज्ञान के लिए भी अंदर ही है, सब अंदर ही है, इस प्रकार की बात। अब इसके बाद में जो है 94 नंबर का कलश पढ़ते हैं, बनारसीदास जी के छंद में वही बात है, इसलिए उसको कोई आवश्यक नहीं है रिपीट करना। 94 नंबर का जो छंद है, 94 नंबर का वो छंद देखते हैं एक बार है। ये तो 93 नंबर है, इसके आगे जो है 94 नंबर का छंद है, ये आ गया, ठीक है। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने ब्राह्मण निजो घाच्यतो दूरा देव विवेक निम्न गमनान नीतो निजो गंबलात विज्ञानेक रसस्तदेक रसिना नात्मानमात्मा हरन आत्मन्नेव सदागतानुगतता मायात्ययम् तोयवत् है ना। दूरम भूरि विकल्प जाल गए, बहुत अच्छा कलश है, ईश्वर जो है काफी जो है सुंदर व्याख्या है, और इसमें दृष्टांत भी बहुत सुंदर लिया है, इसमें ये बताया, बहुत ही सुंदर कलश है। एक बार इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते फिर इस पे चर्चा करेंगे। देखो, निज ओघ से च्युत जिस तरह जल डाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दें तो आ मिले निज ओघ से, उस ही तरह यदि मोड़ दें बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। बहुत ही सुंदर ये कलश है, इसके भाव बहुत ही सुंदर है, और 144वीं गाथा की टीका से काफी कुछ मिलते जुलते हैं, उसी बात को और आगे बढ़ा करके बताई गई है, जो बात 144वीं गाथा की टीका में है उसी बात को और आगे किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है उदाहरण के माध्यम से, बहुत सुंदर है। देखिए क्या कह रहे हैं वो,
वो ये कह रहे हैं कि निज औघ से चुल, औघ मतलब होता है पानी का कोई जलाशय टाइप, पानी का कोई स्रोत, पानी का सोर्स स्रोत, चाहे वो नदी हो सकती है, चाहे वो तालाब हो सकता है, चाहे वो कुछ और भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, इनमें से कोई भी एक मीनिंग नहीं लेना है अपनी मर्जी से, इनमें से सिर्फ वही मीनिंग लेना है जिसमें पानी बहता हुआ हो। क्यों, अर्थ तो कोई भी ले सकते हैं क्योंकि औघ का मतलब तो सभी होता है, गलत नहीं है, लेकिन फिर वो मीनिंग आगे सेट नहीं होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यहाँ औघ में से सिर्फ वही मीनिंग लेना है जिसमें पानी बह रहा हो, यानी कि नदी, ठीक है, तो नदी ले लेना अभी फिलहाल। तो औघ मतलब नदी से, कोई नदी बह रही है, उस नदी से कोई पानी की धारा बीच में दूसरे रास्ते में चली गई। बड़ी नदी बह रही है, उसमें से छोटी सी धारा कहीं निकल करके साइड में से बहना शुरू हो गई, और वो कहीं दूर किसी जंगल में भटकती भटकती किसी पेड़ पौधों में मिट्टी में कहीं ना जाने किधर चली गई। अब बताइए उस धारा का क्या होगा, सोचिए उस धारा का क्या होगा, कैसी स्थिति हो जाएगी इस धारा की, वो अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो उसको जमीन ही पी जाएगी उस पानी को, है वो पानी बचेगा नहीं, बहुत मुश्किल बचेगा, और जो कुछ थोड़ा बहुत पानी बचेगा भी तो वो कैसा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, अनेक प्रकार की वनस्पतियां उसमें मिल जाएगी, मिट्टियां मिल जाएगी, और न जाने उसकी स्थिति बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उस पानी की धारा को वापस जीवित बनाए रखने के लिए, शुद्ध परिष्कृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो धारा साइड में बहकर चली गई है, कई बार होता है कुछ धरती के जो है ऊंची नीची धरती के कारण कहीं कोई धारा साइड में चली गई है, तो वो धारा को कोई व्यक्ति पुरुषार्थ से और किसी ढलान वाले मार्ग पे आकर के, बिना ढलान पे तो कुछ होगा नहीं, ढलान जहां पर हो वहां से वो प्रयास करके और उसको मूल धारा में, जो मूल नदी है उसी में ला करके मिला देवे। समझ रहे हैं आप, मतलब थोड़ा बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो तो उस पर लिख के, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई नदी की धारा है उसमें से एक धार अलग निकल गई है साइड में, तो अब उस एक धारा को वापस उसी नदी में लाना है, तो वापस ऊपर जहां से निकली वापस ऊपर तो नहीं ले जा सकते आप, नीचे तो आ ही रही है, पानी तो का स्वभाव तो नीचे बहना है, पानी का स्वभाव तो नीचे बहना है, तो अब जो धारा अलग से साइड में निकल गई है, आप पूरा भी ताकत लगा लें उस धारा को वापस ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां से तो निकल चुकी है वो, वहां से तो डिस्पैच हो चुकी है, मतलब निकल चुकी है, अब आगे उसको जहां भी आप मिलाएंगे वो आगे ही मिलाएंगे कहीं पर ले जाए, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा अनादि से जो आत्म संसार में भटक रहा है, और कोई जीव ये सोचेगा अरे मैं क्या करूं, अनादि काल से इतना समय मेरा यूं ही बेकार हो गया, मैंने तो बहुत दुख पा लिए, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो इतने दुख पा लिए, तो ऐसा रोना लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहे हैं अनादि से जो ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से बाहर पांच इंद्रियों में विषय भोगों में श्रुत ज्ञान के विकल्पों में जिनवाणी के चिंतन में भी ये सब भी ले लेना, इन सब में भी जहां जहां उलझ गया चला गया वो समझो कि जो एक ज्ञान पुंज रूप जो मेरी आत्मा है वो नदी के समान, नदी इसलिए आ कि वो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए नदी ले लेना, ठीक है। तो अनादि से जो आत्मा चला आ रहा है उसमें से वो जो ज्ञान धारा यानी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की धारा साइड में चली गई है, अपने लक्ष्य से भटक गई है, अपने आत्मा में नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थों में राग आदि में विषय कषायों में अन्य जगह पर उलझ गई है, ठीक है। अब उस मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की जो धारा है उसको वापस घुमा करके पुरुषार्थ के बल से अपने निज आत्मा रूपी नदी में वापस लाना है, सोचो आप, तो कितना मुश्किल काम है, वापस कितना भी जोर लगाए लेकिन भूतकाल में जाकर के तो नहीं मिला सकते अपने आत्मा से, ठीक है ना, अब तो आगे ही मिलेगी, या तो वर्तमान में नहीं तो भविष्य में, तो ऐसे वो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी कि पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ भी कब होगा कि जब कहीं कोई ऐसी जमीन आ जाए कि जहां पर वो ढलान हो, तब मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगी, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के माध्यम से जो पर पदार्थों में रागादि में ज्ञान धारा बह रही है, उस ज्ञान धारा को वापस अपने आत्मा में जोड़ने के लिए हमको भी ढलान चाहिए, जैसे जमीन पर ढलान होती है वैसी ढलान चाहिए, कि किसकी ढलान चाहिए,
कि विवेक की ढलान चाहिए, तत्व ज्ञान की ढलान चाहिए। कर्मों का जो है उद्वेग तेज ना हो, मंद पड़े। कर्म का उदय जब मंद होगा, तत्व ज्ञान का चिंतन होगा, तो तब हम उस धारा को पकड़ करके इधर घुमा सकते हैं अपने आत्मा में। ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर है, इसकी तो काफी कई पेजों में व्याख्या लिखी हुई है। मैं उस पूरी को नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका सार ही बता रहा हूँ आपको। और पूरी इसलिए भी नहीं पढ़ रहा हूँ कि वो उसमें क्या है कि एक ही बात कई बार आई है, और उसका कारण है कि वो एक ही बात कभी जयचंद जी छाबड़ा के शब्दों में है, कभी किसी के शब्दों में, कभी बनारसदास जी के शब्दों में, एक ही एक बात वही गांधी स्वामी के शब्दों में। तो एक ही बात कई लोगों के शब्दों में अलग अलग कई बार रिपीट हुई है, इसलिए भी मैं उसको नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं, निज ओग से च्युत जिस तरह जल, ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओग से। ऐसी बात है, विचित्र बात है, मतलब ये बहुत ही सुंदर है। यूं समझिए कि जो ढाल है वो विवेक रूपी ढाल होनी चाहिए, वो वाली ढाल नहीं युद्ध में जो तलवार वाली ढाल, ढाल मतलब ढलान, ढलान कैसी, विवेक रूपी ढलान वाले मार्ग से अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए। इसलिए विज्ञान घन आत्मा का रसिक आत्मा, आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, कौन खींचता है कि आत्मा खींचता है, किसको खींचता है कि आत्मा को खींचता है, किस तरफ खींचता है कि आत्मा की ओर ही खींचता है, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये, इसकी काफी लंबी व्याख्या होके रखी है यहाँ पर। आप समझ गए हो तो समझ गए हो, नहीं समझे हो तो एक उदाहरण भी है इसका, मतलब एक्चुअल में ही है उदाहरण। वो क्या उदाहरण है कि हरिद्वार में, हरिद्वार है उत्तराखंड में, तो वह हरिद्वार में जो गंगा नदी बह रही है, उस गंगा नदी की एक जल धारा उसको एक नहर का रूप दे करके गंगा से पृथक कर दिया, अलग कर दिया, मूल गंगा से अलग कर दिया, एक अलग धारा निकाल दी और उस नहर को अलग से 500 किलोमीटर तक उस मूल धारा से अलग रख करके 500 किलोमीटर दूर तक चलाया गया, और उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास में ले जा करके वापस उसी गंगा नदी में उसको मिला दिया। मतलब निकली धारा कहाँ से, गंगा नदी से ही, मिली कहाँ की, गंगा नदी में ही, लेकिन निकली थी हरिद्वार में और मिली थी कानपुर में, 500 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो 500 किलोमीटर दूर तक वो जो नहर है वो मूल धारा से अलग अलग रहते हुए चलती रही, पैरेलल दूर चलती रही। तो ऐसे ही हमारा जो मूल ज्ञान स्वभाव है ये एक तरफ चल रहा है, अनादिकाल से चालू ही है, और इसमें से जो मति श्रुति ज्ञान की जो अलग से नहर निकली है वो अलग चलती आ रही है, और अनादिकाल से आज तक इतना समय तक चलती आ रही है। अब इस धारा को वापस इसमें जोड़ दो किसी तरह से, तो फिर ये जो है अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर लेगी और अपना अस्तित्व को जीवित रखेगी, है मलिन नहीं होगी। कितने सारे फायदे हैं इसके, ये चीज यहाँ बता रहा है। ऐसी गजब बात है इसमें, ऐसी गजब बात है। देखो इसमें से बहुत लंबी बात है, लेकिन कोई कोई सिलेक्टेड पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक 268 नंबर के पेज पर, 268 हिंदी की पुस्तक में, नीचे से नीचे वाला ही पैराग्राफ है, 144वीं गाथा की टीका में। 144वीं गाथा तो पढ़ चुके अपन पिछली बार, इसलिए याद रहेगा आपको, इसलिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए सिलेक्टेड पैराग्राफ है ये, ठीक है। 144वीं गाथा की टीका में यही कहा था कि पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से विषय कषाय में उलझे मति ज्ञान को उनसे हटाकर बलपूर्वक आत्मसन्मुख करे। मति, देखो वहां कहा था, एक तो मति ज्ञान को मर्यादित करो, फिर दूसरा का श्रुत ज्ञान को भी मर्यादित करो। तो मति ज्ञान का क्या काम, ये मति ज्ञान कहाँ उलझा है कि विषय कषाय में उलझा है, विषय कषाय में उलझे मति ज्ञान को उनसे हटाकर बलपूर्वक आत्मसन्मुख करे, ये तो एक पॉइंट हुआ। फिर दूसरा श्रुत ज्ञान को कैसे करे वो सुन लीजिए, वो कहाँ है श्रुत ज्ञान कि नाना नयों के विकल्पों में उलझे, ऐसा है श्रुत ज्ञान, उलझ रहा है नाना विकल्पों के, नाना मतलब अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के नयों के विकल्पों में उलझा हुआ जो श्रुत ज्ञान है उसको भी आत्मसन्मुख करे, तब ही आत्मानुभव होता है। उसी बात को इस कलश में कह रहे हैं कि अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्मसन्मुख करो, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही रीति है, यही विधान है, यही उपाय है। जी आत्मानुभव का यही उपाय है। देखो ये जो आत्मानुभव किससे करोगे,
कि ज्ञान से करोगे, कि कौन सा ज्ञान, जो अभी है वही ज्ञान, अभी कौन सा है कि उन्नति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। तो बस इसी ज्ञान को बलपूर्वक आत्मा में जोड़ना है। ये प्रेरणा दे रहे हैं, है बहुत बहुत गजब की प्रेरणा दे रहे हैं, पुरुषार्थ की प्रेरणा। और ये पुरुषार्थ भी कैसा करना है, कोई पत्थर थोड़ी ढोने हैं। इसमें यही है कि जो अपना उपयोग है, ज्ञान स्वभाव है, जो परोन्मुख है, पर पदार्थों की ओर दौड़ रहा है, उसको पकड़ के और किसी तरह अपने आत्मा में ले आओ, ये कदर कह रहे हैं। ऐसा है। अब जो इसकी हिंदी, जो हिंदी व्याख्या जो जयचंद जी छाबड़ा है, जयचंद जी छाबड़ा करते थे कौन कि पांडे राजमल जी जयचंद जी छाबड़ा भी करते थे, लेकिन कलशों की टीका जो है पांडे राजमल जी की जो है, उसके आधार से पंडित बनारसी दास जी ने, जो सवैया 31 लिखा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया उदाहरण में, भी और साथ के साथ उसका क्या बोलते हैं सिद्धांत में भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको जानने के लिए जो है ये कलश पढ़ता हूं मैं, मतलब क्या बोलते हैं पद्यानुवाद बनारसी दास जी का। जैसे एक जल नाना रूप दर भानु जोग भायो भाऊ भांति पहिचानो न परतु है, फिरी काल पाई दर भानु जोग दूरी होत अपने सहज नीचे मार्ग ढरतु है, तैसे यह चेतन पदार्थ विभाव तासु गति जो निभेश भव भावारी भरतु है, सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ धाई बंध की जुगति भानी मुकति परत करतु है। इसमें क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा फर्क आप महसूस करेंगे उदाहरण में। यहाँ तो उदाहरण था कि जो मूल धारा है उससे भटक करके एक जल धारा दूसरी तरफ चली गई, घूम फिर करके कभी आगे वापस इसी में जा मिली, ऐसा था। लेकिन यहाँ थोड़ा दूसरा है, यहाँ कह रहे हैं कि जो पानी है वो भटक गया, वो वाली बात नहीं, लेकिन भटक करके वो अनेक वस्तुओं के साथ में मिल गया और अनेक रूप हो गया और इससे वो पहचानने में नहीं आ रहा है, मलिन हो गया है, कीचड़ बन गया है, कोई इसको पानी नहीं बोल रहा है, उसका नाम तक नहीं लेता है, जिससे पूछोगे कीचड़ है, कादा है, तो कर्दम है ये, तो कोई भी उसको पानी के रूप में तक नहीं पहचान रहा है। लेकिन फिर कभी समय पा करके संयोग उसका दूर हुआ, ये जो मिट्टी कालीमा ये सब दूर हुई, तब अपने स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। उसी प्रकार यह चेतन आत्मा विभाव अवस्था में गति योनि भेष रूप जो संसार की अनेक भंवरों में भ्रमण कर रहा है, चक्र में चल रहा है, घूम रहा है, फिर अवसर आने पर निसम्यक स्वभाव को प्राप्त कर पुरुषार्थ के पथ में लगकर बंध को नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त करता। थोड़ा फर्क आ गया देखो, वहां तो धारा ही अलग थी और यहाँ कह रहे कि धारा अलग है, वो तो अलग है, लेकिन साथ में मिट्टी वगैरह भी मिल गई, अब तो नाम तक उसका खो गया है, कोई पानी भी नहीं पहचान रहा है। तो ऐसे ही हम भी इस संसार में जो अलग धारा के रूप में बह रहे ना, तो अलग धारा में बह करके हमने क्या किया, अनेक गति योनि भेष धारण करते फिर मनुष्य गति में आ गए, कभी किस गति में चले गए, किस योनि में चले गए, एक इंद्री दो इंद्री बन गए, अनेक प्रकार की प्रियाएं धारण करते रहे, तो इससे हम भटकते थे, अपने निज स्वभाव को भूल गए हैं, है ना। और फिर कभी मान लो कोई बहुत अवसर पा करके वो पानी जो है वापस शुद्ध हो जाए, वापस शीतल बन जाए, वैसे ही हमारा भी आत्मा वापस पुनः जो है शुद्ध हो सकता है। ऐसी बात यहाँ पर है, थोड़ा सा फर्क दृष्टांत में आ गया। और ये फर्क क्यों आ गया, इस पर तो दादा ने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है और वो रिसर्च में यही उत्तर है इसका कि जो बनारसी दास जी थे, वो बनारसी दास जी तो संस्कृत तो जानते नहीं थे, मूल संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको तो वो मूल से नहीं पढ़ पाते थे, उन्होंने तो जो है इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन जो पांडे राजमल जी ने किया था उसी को ही पढ़ करके उसी के आधार से ही छंद बना देते थे, और पांडे राजमल जी ने जो अर्थ किया वो ऐसा ही अर्थ कर दिया, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही छंद बना दिया। ऐसी एक रिसर्च की हुई है जो आपकी पुस्तक में लिखी है, आप पढ़ लेना पहले ही ऐसा ही है ना, यहाँ लिखिए 270 नंबर के पेज पर ऊपर ही लिखिए, एक लाइन ही पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ता हूँ। जिस प्रकार पानी का शीत स्वच्छ और द्रवत्व स्वभाव है, उस स्वभाव से वह कभी च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है, उसी प्रकार जीव का स्वभाव केवल ज्ञान दर्शन में है, तो छूट गया। यानी कि थोड़ा सा उदाहरण में फर्क है, लेकिन बात तो समझ गए ना मूल क्या है। अब देखो इसमें क्या है,
इसको काफी लंबा अर्थ खींचा हुआ है, बहुत अनेक रीति से खींचा हुआ है। थोड़ी सी मैं एक दो पॉइंट और भी क्लियर करते हैं इसमें। इसमें देखो एक चीज ये भी समझने की है कि जो वो पानी अपनी मूल धारा से भटक करके दूसरी धारा में एक अलग साइड में बहने लगा, ठीक है, तो पानी का स्वभाव तो ऊपर से नीचे बहना है ही कि ऊपर बहना है, है? पानी तो नीचे ही बहता है, वो तो उसका स्वभाव है, है? अग्नि ऊपर की, अग्नि की शिखाएं ऊपर जाती है, हवा त्रियक बहती है, पानी नीचे बहता है, ये तो उनके स्वभाव है। तो स्वभाव को तो स्वभाव बोलना चाहिए, विभाव कैसे बोल रहे हैं आप, है? जैसे अब विभाव, विभाव ही बोलने में आ रहा है कि हम तो विभाव रूप परिणमन कर रहा है, ये पानी देखो मलिन हो गया है, ये दूसरी धारा में चला गया है, अपन उसको विभाव रूप में काउंट कर रहे हैं। जबकि यहाँ एक लॉजिक ये भी हो सकता है, लॉजिक क्या, कुतर्क एक तरीके से, कुतर्क क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये जो पानी है, ये जो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये इसका मूल स्वभाव है, ठीक है। तो ये इस बात से अपन को जो 4-6 लेक्चर के पहले एक प्रश्न अपना चल रहा था उसका भी उत्तर इससे मिलता है कि जीव का विभाव रूप होना भी वो जीव के स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ है। हर द्रव्य का विभाव रूप होना वो डिफरेंट डिफरेंट है, पूरे 6 द्रव्यों का विभाव एक जैसा नहीं है। जीव का विभाव राग है, पुद्गल का है क्या जीव विभाव? पुद्गल का विभाव राग नहीं है, पुद्गल का विभाव कुछ और है, धर्म द्रव्य का कुछ और होगा, है? हालांकि वो विभाव रूप होते ही नहीं है शायद, 4 द्रव्य तो शुद्ध ही है, इसलिए पकड़ में नहीं आती बात, है ना। तो पानी का स्वभाव तो नीचे बहना है, जब पानी का स्वभाव ही नीचे बहना है तो फिर पानी का निजोग से च्युत होकर नीचे बहना विभाव कैसे माना जा सकता है? ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर उठाया 270 नंबर पेज पे, मैंने उसका एकदम सारांश आपको बताया, एकदम सारांश पूरा है, एक दो लाइन और देख लीजिए। इस प्रकार के चिंतन से संगति बिठाने के लिए कहा कि जब जल निजोग से च्युत होता है तो एड़े टेड़े ऊपर खाबड़ मार्ग में भटक जाता है, नाना प्रकार की पृथ्वी और अनेक प्रकार की वनस्पतियों में विलीन हो जाता है, किंतु उसी जल को जब ढाल वाले नीचा मार्ग मिल जाता है तो स्वाभाविक रूप से शांत होकर सहज भाव से बहने लगता है। बहते 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 कोई जगह ऐसी आई कि जहां ढलान थी, और वो ढलान भी किस ओर थी, मूल धारा की तरफ थी, तो पानी वापस वहां से दरक करके, मतलब सरक करके मूल धारा में आ मिले, ऐसा है। अब आप कहोगे कि ये जो अलग धारा किधर चली गई, जरा वो भी तो बताओ, ज्ञान धारा जो हमारी कहाँ चली गई, कि गेयों में चली गई, अनेक प्रकार के गेयों में उलझ कर रह गई है, जो भी पर वस्तु हमको दिखाई दी या जो है विभाव रागादि दिखाई दिए उन्हीं में ही उलझ करके रह गई, ये बात यहाँ बता रहा है। और ढलान कैसी होनी चाहिए कि विवेक रूपी होनी चाहिए, ठीक, ऐसा है। एक चीज और देखो, गेयों में उलझ कर रह गई है, विभाव यानी रागादि में उलझ के रह गई है, और गुरुदेव कांजी स्वामी ने तो ये भी कहा कि जो ये जो ज्ञान धारा अलग से छटके, मतलब अलग निकल गई है, वो कहाँ चली गई, देखो ये 272 नंबर के पेज पे ऊपर कई पैराग्राफ हैं जो बीच में से पढ़ने योग्य, लेकिन मैं शॉर्ट में ही पढ़ रहा हूँ। देखो 272 नंबर के पेज पर है ये, जो अज्ञानी जीव अनादिकाल से अपने विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ, प्रचुर विकल्प रूपी गहन वन में दूर दूर तक भटक रहा था, अनेक प्रकार के विकल्प के राग जाल में स्वतः उलझ रहा था, विकल्पों में उलझ रहा था। अब वो विकल्प कौन से, वो भी सुन लीजिए, आंखें खुलने वाली है बहुत। दया, दान, व्रत आदि शुभ पुण्य रूप तथा हिंसादि अशुभ पाप रूप अनंत प्रकार के शुभाशुभ विकल्पों या अनेक प्रकार के नए विकल्पों, है, शुभाशुभ विकल्पों अथवा नए विकल्पों, ये जिनवाणी का जो शास्त्राभ्यास करते हैं ये भी विकल्प है, सोचिए आप, ये भी विकल्प है, लेकिन कुछ तो ठीक है, दूसरे की बजाय तो ठीक ही है। अनेक प्रकार के नए विकल्पों के इंद्रजाल में स्वयं अपने विभाव स्वभाव में अटक रहा था, ये ज्ञान कहाँ अटक रहा था, इन विकल्पों में अटक रहा था, शुभ अशुभ भावों में फंस रहा था, वह तत्व ज्ञान के बल से। अच्छा, उसको मोड़ना है धारा को, तो कैसे मोड़ेंगे, कि कोई कुदाल लेके आए, उससे खोद के मिट्टी को थोड़ा साइड करे ताकि ढलान बन जाए, यही तो काम होता है। तो कह रहे कि वह तत्व ज्ञान के बल से, वहां तो कुदाल से होगा, लेकिन यहाँ कौन सी कुदाल चाहिए, यहाँ तत्व ज्ञान की कुदाल चाहिए। तत्व ज्ञान के बल से उसे दूर से ही छोड़कर, यानी कि
राग आदि से मिले बिना ही अपने उपयोग को स्वभाव में जोड़ देता है, उपयोग को स्वभाव में जोड़ देता है। वेद ज्ञान द्वारा प्राप्त अपने बल से ही अपने चेतन स्वभाव की ओर झुक जाता है, ऐसा अर्थ है। यानी भेद ज्ञान रूपी ढलान चाहिए, भेद ज्ञान रूपी कुदाल चाहिए, तत्व ज्ञान रूपी कुदाल चाहिए, तब जाकर के ये काम होगा। यदि मान लो बहाव तेज है, कर्मों का उदय का जो बहाव वो तेज है, तो ये काम नहीं हो पाता है। जब कर्म का उदय थोड़ा मंद पड़े, तत्व ज्ञान का बल मिले है, विवेक जागृत रहे, तो ये काम हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। अब ये मनुष्य गति मिली है, सब संयोग मिले हैं अनुकूल, तो ये काम हो सकता है, ये चीज यहाँ बताई जा रही है, ऐसा जो यहाँ पर बता रहे हैं। और यूं मान करके चलो कि यदि ये धारा अलग अलग बहती ही रही तो एक ना एक दिन बहुत ही इसकी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता ही दिया कि पानी को मिट्टी सोख लेगी, पानी में मिट्टी मिल जाएगी, वो कीचड़ बन जाएगा, उसको कोई जानेगा भी नहीं कि ये पानी है। तो ऐसे ही ये जो हमारा आत्मा है, इसमें ये तो मूल धारा है, आत्मा यानी मूल नदी, आत्मा रूपी नदी में से श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की अलग अलग धाराएं साइड में बहने लग गई है, और वो क्या है, आत्मा से भटक गई है, इसलिए उसकी दुर्दशा हो गई, इसीलिए ये चार गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है, ये आत्मा अनेक कष्ट पा रहा है, ये इसी का फल है। और क्या कह रहे हैं कि इस आत्मा के श्रद्धा गुण का काम है अपनापन करना। तो अपनापन कहाँ करना चाहिए, कि अपने आत्मा में करना चाहिए। तो वो अपने आत्मा में अपनापन ना करके पर पदार्थ और रागादि भावों में अपनापन करके रखा है, ये हो गया इसका साइड में बह जाना। ज्ञान गुण ने क्या किया कि अपने आत्मा को जानना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के रागादि और पर पदार्थों को जानने में लगा हुआ है। चारित्र का काम है अपने आत्मा में लीन होना, लेकिन वो भी इसको छोड़ के अपने आत्मा को और पर पदार्थ और रागादि में लीन हो रहा है। ये सब होने के कारण ही इस आत्मा को चार गति 84 लाख योनियों में भटक भटक कर अनंत दुख उठाना पड़ रहा है, ये चीज यहां से बताई जा रही है, ऐसी बात है। इसलिए सभी आत्मार्थी भाई बहनों का एक ही कर्तव्य है कि अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र को पुरुषार्थ पूर्वक किसी भी तरीके से अपने आत्मा की ओर मोड़ देवे, तो सुखी हो जाए, सुखी होने का यही उपाय है। ऐसी प्रेरणा इस कलश में 94 नंबर के कलश में दी गई है। 93, 94 दो कलश पिछली गाथा की ही जो टीका से संबंधित भाव को ही और अधिक स्पष्ट करने वाले थे, ये समझो 144 गाथा ही चल रही थी अभी तक, ठीक है। लेकिन अब जो 5 कलश और बच रहे हैं अभी, तो वो जो 5 कलश है इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार को समेट रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं वो, है ना। पढ़ लेते हैं एक दो कलश तो देखते हैं। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे, नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इसी विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। ये 95 नंबर का कलश रोला छंद जैसा वो आए थे ना, 20 कलश इकट्ठे हो ही ले, एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। ऐसे ही है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे, नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। ये कैसे बात देखे, है विकल्प ही कर्म और विकल्पक करता हो, जो विकल्प को करने वाला है वो तो करता है, और जो विकल्प है वो कर्म है, और जो विकल्प को करे वही बात है, यानी कि विकल्प तो कर्म है और विकल्प करने वाला उसका करता है। नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, अज्ञानी जीव तो विकल्पों में ही रहते हैं, और जब तक वे विकल्पों में रहते हैं तब तक इस कर्ता कर्म भाव का नाश नहीं होता है। देखो एक चीज इसमें समझने की, पूरे छंद में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक दो पॉइंट है काम के। एक पॉइंट ये है कि यहाँ कहा जा रहा है कि विकल्प को जब तक जीव करता है तो वो अज्ञानी है, लिखा ना तीसरी लाइन में, नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही हो गई, ठीक है। ये वाली लाइन अपन को पकड़ने की, यहाँ से यहाँ कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि ये जो अज्ञानी जीव की बात है, लेकिन ज्ञानी जीव को भी तो विकल्प होते हैं,
सम्य दृष्टि जीव है, क्या वो विकल्प नहीं करता है? वो भी तो विकल्प करता है। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा कि अज्ञानी जीव ही विकल्पों में होवे, ज्ञानी क्यों नहीं होवे? ज्ञानी को भी देखा हमने, ऐसा प्रश्न हो सकता है। ज्ञानी भी विकल्प करता हुआ देखा जाता है जगत में, तो उसका क्या उत्तर है? उसका उत्तर यह है कि यहाँ जिस विकल्प की बात है वो विकल्प है चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि रूप, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन चार विकल्पों का नाम ही विकल्प लिया है। बाकी अन्य विकल्प को यहाँ विकल्प के रूप में नहीं लिया है, क्योंकि वे अनंत संसार का कारण नहीं है। उनसे जो बंध होता है वो भी अल्प स्थिति अनुभाग वाला है, बहुत अनुभाग और बहुत स्थिति वाला नहीं है। इस प्रकार से मिथ्यात्व संबंधी जो विकल्प है, मिथ्यात्व संबंधी जो राग का विकल्प है, उसी को ही विकल्प माना है। जो चारित्र मोह संबंधी जो विकल्प है उसको विकल्प नहीं माना है, क्योंकि वो वास्तव में कहने भर का विकल्प है, वो एक्चुअल वास्तविक विकल्प नहीं है। उससे जीव को बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा ऐसा भी निश्चित नहीं है, इसलिए उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ दर्शन मोह संबंधी विकल्प की ही बात है। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता हो। सीधी बात है, एकदम समझती आ रहे हैं। देखो इस पूरे ही अधिकार में, बहुत लंबा अधिकार है और हमने जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पीछे पीछे का भूलते भी गए, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा बहुत हो जाता है। अभी हम पूछें कि जैसे ये स्टार्ट कब से हुआ, कि 69 नंबर की गाथा से स्टार्ट हुआ, कि क्या बात थी वहां पर 69 नंबर की गाथा में, कि वहां ये बात थी कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है, यही तो कहा था 59 नंबर की गाथा में, 69 नंबर की गाथा में ये कहा था, देख लेना भले। तो इसका क्या मतलब कि जो देखो बात है कर्ता कर्म की, भाई ये गिलास पानी का मैं उठा सकता हूँ, ये पुस्तक पढ़ सकता हूँ, खोल सकता हूँ, ऐसी वाली जो परद्रव्यों संबंधी कर्तित्व की तो बात ही नहीं है, बल्कि मन में जो राग आदि के विकल्प होते हैं उनका भी कर्ता मैं नहीं हो सकता। ये चीज यहाँ से शुरुआत ही इस चैप्टर की वहां से हुई है। आचार्य कुन कुन ये मानकर बैठे हैं कि मेरे जितने भी पाठक हैं, जितने भी श्रोता हैं, वो तो इनका प्रीवियस नॉलेज इतना है ही है, आगे की बात कर रहे हो। परद्रव में तो फेरफार न ज्ञानी करता है न अज्ञानी करता है, लेकिन परद्रव में फेरफार करने की जो बुद्धि है वो बुद्धि भी कौन करता है, ज्ञानी करता है कि अज्ञानी करता है? कि अज्ञानी करता है। अभी समझ में आया? ये वाली लाइन फिर से बोल देता हूँ, ये बढ़िया है। पर पदार्थों में कर्तित करने धरने की जो बुद्धि वो कौन करेगा, ज्ञानी करेगा कि अज्ञानी करेगा? अज्ञानी करेगा। इसीलिए यहाँ तीसरी लाइन लिखी, नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे। ये अर्थ समझ में आई कि नहीं बात? ये गंभीर बात है। इस तरह से है तो सही, अभी कितने 3 कलश हुए हैं, अभी 4 कलश और भी हैं, कहें तो एक और भी पढ़ सकते हैं, समय तो हुआ है, समय तो हुआ है, एक और पढ़ लेते हैं, थोड़ी फिर बचेगा तो अगली बार फिर रिवीजन कर लेंगे। देखो 96 नंबर का कलश है, काफी है बातें तो इसमें अभी बहुत कुछ है। देखो इसी में एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, 276 नंबर का पेज है, यही 95 नंबर के कलश को ही और स्पष्ट करते हैं। अभी इसी में जो है 276 नंबर का जो पेज हिंदी में, ये कांजी स्वामी का कथन है, उसका निष्कर्ष है, कथन का भी निष्कर्ष है। यहाँ विकल्प का अर्थ मात्र विकल्प का उठना नहीं है, अभी अभी मैं कह रहा था ना वही बात आई, विकल्प का मतलब वो विकल्प नहीं है जो उठता है मन में, वो तो ज्ञानी को भी उठता है, इसलिए वो वाला अर्थ नहीं है। अपितु विकल्प में ममत्व बुद्धि एवं कर्तृत्व बुद्धि का नाम विकल्प है। यहाँ विकल्प का अर्थ क्या लेना? विकल्प का अर्थ चार मिथ्या बुद्धि लेना, वो वाला विकल्प मत लेना। मिथ्यात्व संबंधी विकल्प का नाम विकल्प है, चारित्र मोह संबंधी विकल्प यहाँ अपेक्षित नहीं है। यहाँ परमे और विकल्पों में एकत्व ममत्व करने वाले एवं विकल्पों का कर्ता स्वयं को मानने वाले को ही सविकल्प कहा गया है। ये बात यहाँ बता, समझ में आई बात? इस तरह से ये जो है 95 नंबर का कलश भी हुआ, और अब तो छोटे छोटे कलश बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको जो है अगले व्याख्यान में ले लेंगे और लेकर के जो है इस पूरे अध्याय का एक उपसंहार भी साथ में ही बता देंगे आपको। इस प्रकार से जो है अगले व्याख्यान में इस कर्ता कर्म अधिकार को पूर्ण कर देंगे। आज की विराम देते हैं। जय जय।
जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, थैंक यू, जय जिनेंद्र, थैंक यू सर।